बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों आज हम आप दोस्तों के साथ ये वाली वीडियो शेयर करने लगे हैं। जिन दोस्तों के जिस्म में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द रहता है, आपने रोटी तो आप खाते होंगे, आपने जो है सबसे पहले 8 से 10 चपाती का जो है डो तैयार कर लेनी है, या 8 से 10 रोटी का आपने आटा गूंद लेना है। करना आपने सिंपल है, ये चीज़ें घर में मौजूद हैं, आपको बाजार जाने की भी इसमें ज़रूरत नहीं है। ये है जी अजवाइन, ये थोड़ी सी आपने इसके अंदर इस तरह डाल लेनी है, ठीक है। थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा है, ये इस तरह आपने इसके अंदर डाल लेना है। थोड़ी सी कलवंजी है, ये आपने इस तरह इसके अंदर शामिल कर लेनी है, ठीक है। और आधा चम्मच के करीब आपने जो है ये हल्दी है, ये इसके अंदर आपने शामिल कर लेनी है कुछ इस तरह। अब डो तैयार करने के लिए इस तरह देखें, इसको आपने जो है इस तरह, चपाती भी कहते हैं आप इसे, जो है रोटी भी कहते हैं। अगर रोटी तैयार करनी है तो आप आटा गूंदेंगे, अगर आपने चपाती तैयार करनी है तो आप डो तैयार करेंगे, चीज सेम ही इस तरह। आपने लास्ट में पता क्या करना है, आपने बाजार से 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम जीरा और 100 ग्राम जो है कलवंजी, ये लेके आपने शीशे के बर्तन में उसे अच्छी तरह साफ करके स्टोर कर लेनी है। जब भी आप डो तैयार करें चपाती के लिए तो आपने चुटकी चुटकी आधा आधा चम्मच से भी आधा हिस्सा उसके अंदर शामिल कर लेना है, और फिर जो है इसकी ममूल बना ले, ममूल के साथ आपने जो है ये रोटी खानी है। जो बंदे बीमार हैं, जो मरीज़ है, वो तो खाए खाए, और जो घर में तंदुरुस्त आदमी है वो भी यही रोटी खाए, तकरीबन रूटीन बना लें कि सुबह शाम दोपहर जब भी रोटी खानी है तो इसी तरह की ही रोटी खानी है। तो 1-2 दिन के लिए मुश्किल होगी, बाद में आपकी रूटीन बन जाएगी और दूसरी रोटी आपको बिल्कुल भी, दूसरी चपाती जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, किसी इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़, रब रखा।